Hi guys, so let's look at this next question in the advanced arithmetic series here. This question says that 10 workers started a job and worked on it for 10 days. 11th day onwards, a new worker joined them every day till the job was finished. It took exactly 26 days to finish the entire job. The same job has to be done starting with the minimum possible number of workers, where it is known that a worker will quit the job every day after the first day. How many days will it take to finish the job in such a manner? ओके चलो देखो सो जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस, अच्छे से ट्राई कर लो फिर देखना आप सॉल्यूशन, अगर नहीं हुआ तो ओके देखो तो अब यहाँ पे हम लोग फंडा क्या यूज करें, तो आपको पता है कि बेसिकली फंडा ये यूज होता है कि अगर हमने कहीं ऐसा लिखा है कि 10 मैन कैन डू अ वर्क इन 5 डेज, तो हम क्या बोलते हैं, सो आई अज्यूम द टोटल वर्क टू बी 10 × 5, अब वी अज्यूम इट टू बी एज 50 मैन डेज, राइट है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 वर्कर्स स्टार्टेड अ जॉब एंड वर्कड ऑन इट फॉर 10 डेज, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइक द टोटल फर्स्ट 10 डेज का जॉब कितना होगा, 10 × 10, तो फर्स्ट 10 डेज में 100 मैन डेज जॉब हो जाएगा है ना। देन 11th डे ऑनवर्ड अ न्यू वर्कर ज्वाइंड देम एवरी डे टिल द जॉब वाज फिनिश्ड एंड जॉब वाज फिनिश्ड इन 26 डेज, मतलब क्या हुआ 11th डे से स्टार्ट किया और 26th डे तक हर दिन एक वर्कर आता रहा, राइट। तो देखो ये मेरा फर्स्ट 10 डेज का काम तो हो गया है ना। नाउ दिस इज फॉर 11th डे, राइट। तो देखो 11th डे क्या हुआ होगा ना, 11th डे 11 वर्कर हो गए होंगे एंड 11 वर्कर वर्कड फॉर 1 डे, दैट इज 11th डे, तो आई विल पुट 11 × 1 ईयर है ना। प्लस व्हाट वुड हैपन ऑन 12th डे, तो 12th डे क्या हुआ होगा, सो ऑन 12th डे वन मोर वर्कर वुड ज्वाइन देम, सो 12 वर्कर्स आर देयर एंड दे वर्कड फॉर 1 डे, दैट इज 12th डे, so 12 × 1। फिर 13th डे क्या हुआ होगा, सेम वे, सो 13th डे में देर मस्ट बी 13 वर्कर्स एंड दे वर्क फॉर 1 डे, दैट इज 13th डे। सिमिलरली ये चलता रहा टिल 26 वर्कर्स वर्क फॉर 26th डे, ठीक है, एंड नाउ माई टोटल वर्क इज फिनिश्ड। तो हम अगर हम देखेंगे तो मेरा टोटल वर्क कितने के इक्वल है यहाँ पे, तो आप बोलोगे आई कैन सिंपली कैलकुलेट दिस पार्ट, 10 × 10 तो हमारा 100 हो गया है ना, प्लस हाउ मच गाइस, तो जस्ट कैलकुलेट दिस पार्ट हियर, तो 11 ये आपका सम हो गया 11 प्लस 12 और ये तुम्हारा क्या आएगा 26 आएगा, तो इट्स एन एपी, राइट। तो आप बोलोगे इसके पहले का टर्म 25 होता है, ये सम 26 है ना, तो एपी में क्या होता है लाइक एवरी पेयर विल गिव यू 37, तो आपका हर एक पेयर 37 सम देगा, तो ये भी 37 है, ये भी 37 है ना, तो ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे, तो आप बोलोगे 11 × 26 देर आर 16 टर्म्स हियर, तो अगर यहाँ पे 16 टर्म्स हैं तो आप बोलोगे यहाँ पे 8 पेयर्स बन जाएंगे है ना, That 8 pairs means हमारा सम कितना हो जाएगा 37 × 8, तो 100 प्लस 37 × 8, तो 37 × 8 जा कितना होता है 296, that means 100 प्लस 296 will be equal to 396, तो my total work is 396 man days, okay, now what they're saying that the same job has to be done starting with the minimum possible number of workers when it is known that a worker will quit the job every day. So if a worker will quit the job every day, so let's say for example हम start करते हैं यहाँ पे n member से है ना, तो I start with n member, right? तो first day यहाँ पे n member थे, second day n minus 1 हो गया है ना, a worker is quitting the job every day, right? Third day यहाँ पे n minus 2 member हो गए, ऐसे ही क्या होता जाएगा, चलता जाएगा, तो मान लो till 5, then 4, then 3, then 2 and then 1, तो आपका टोटल 1 से लेके n तक का सम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1 से लेके n तक का सम हो जाएगा n × n+1/2 है ना, एंड दिस इज समवेयर गिवन एज 396 मैन डेज, क्योंकि यही है ना यार, n हुआ क्या कि n वर्कर ने 1 डे के लिए काम किया, तो n × 1 n मैन डेज काम खत्म होगा, n माइनस 1 वर्कर नेक्स्ट डे क्या हो गया, अ वर्कर विल क्विट द जॉब, तो अगले दिन क्या हुआ, n माइनस 1 वर्कर ने 1 डे के लिए काम किया, तो n माइनस 1 मैन डे, फिर n माइनस 2 मैन डे, करते करते क्या हुआ, हम सोचेंगे यार पहले लास्ट तक आते हैं ना, कि यहां तक आखिर n की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, पहले वो निकालते हैं, तो आप बोलोगे अगर हम लास्ट तक आएंगे और n मिनिमम है, तो बोलोगे दैट मीन्स n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही होगा ना यहाँ पे, तो आप इसको इफ आई सॉल्व दिस पार्ट हियर, देखो मुझे क्या मिलेगा, आप बोलोगे n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 396 का डबल कितना होता है 792, ओके, तो इफ आई टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो इससे अप्रोक्सीमेटली n आ जाएगा ना, n इससे अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, वाई, बिकॉज n स्क्वायर प्लस n का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट इज n, सोचो 5 स्क्वायर प्लस 5 इज 30, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सो 5 स्क्वायर प्लस 5 इज 30, उसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट क्या होगा 5 पॉइंट समथिंग, 10 स्क्वायर प्लस 10 इज 110,
व्हाट इज अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट, 10 पॉइंट समथिंग. तो हम यहाँ पे n क्या होगा, n वुड बी अप्रोक्सीमेटली 28, है ना. तो n स्क्वायर प्लस n का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट इज n, एंड 792 का अप्रोक्सीमेट रूट इज 28, बिकॉज 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है, राइट. तो आप यहाँ पे ये बोलोगे ना कि ठीक है, आपको यहाँ पे एक n का वैल्यू मिल गया कि n 28 से स्टार्ट करना चाहिए, राइट. अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देना, आप बोल सकते हो सर n आप 28 से अगर स्टार्ट करोगे तो y क्या हम n को 27 से भी स्टार्ट कर सकते हैं. मैं बोलूंगा ना कि 27 से अगर स्टार्ट करते दैट मीन्स फर्स्ट डे 27 वर्कर होते, फिर सेकेंड डे 26 वर्कर होते, फिर तो 27 वर्कर ने वन डे काम किया 27 मैनडेज, 26 वर्कर ने 21 डे काम किया 26 मैनडेज, ऐसे करके अगर मैं 1 तक का सम करता तो हमारा सम कितना होता, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2. तो 27 इंटू 28 बाई 2 हमारा सम होता, कितना हमारा आंसर आता, तो 27 इंटू 14 वुड बी हाउ मच, इट वुड बी 378. तो अगर 27 वर्कर से स्टार्ट करते तो 378 मैनडेज वर्क हो पाता, बट वॉट इज माई टोटल मैनडेज वर्क हियर, इट इज 396. दैट मीन्स 27 से हम काम नहीं कर पाएंगे, आई हैव टू स्टार्ट विथ 28 वर्कर. तो 28 तो मिनिमम चाहिए. अब 28 से स्टार्ट किया तो काम कितने दिन चलेगा, तो आप बोलोगे ठीक है फर्स्ट डे 28 वर्कर ने वन डे काम किया 28 मैनडेज, सेकेंड डे 27 वर्कर ने वन डे काम किया 27 मैनडेज, फिर 26 वर्कर ने वन डे काम किया 26 मैनडेज, चलता रहेगा, राइट. आप बोलोगे ना यहाँ पे 1 तक का सम कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा यार 1 तक का हमारा सम कितना हो जाएगा, तो 28 से लेके 1 तक का सम कितना होता है, 28 इंटू 29 बाई 2. नाउ दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 29 इंटू 14, तो 29 इंटू 14 इज इक्वल टू 406. तो आप बोलोगे कि सर 406 मैनडेज हो गया. तो अगर 28 वर्कर ने स्टार्ट किया, हमको पता है कि 28 वर्कर मिनिमम स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, बट अगर ये काम 28 डेज चलेगा, राइट, क्योंकि 28 वर्कर ने वन डे काम किया फर्स्ट डे, 27 वर्कर ने सेकंड डे काम किया, ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे है, ये थर्ड डे है, तो ऐसे करके ना 28th डे तक चलेगा. तो बट 28th डे का रिक्वायरमेंट नहीं है ना यार, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है हाउ मेनी डेज इट विल फिनिश, हमें मिनिमम वर्कर से स्टार्ट करना है, तो हमें 28 डेज का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है. हमें कितने डेज का रिक्वायरमेंट है, आप बोलोगे सर टोटल वर्क तो हमारा 396 मैन डेज है ना, और ये कितना आ गया 406 मैनडेज आ गया. तो बोलोगे यहाँ पे सर 10 मैनडेज तो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो 28 से स्टार्ट तो करना पड़ेगा, बट अगर 10 मैनडेज स्टार्ट हो, अगर आपका 10 मैनडेज क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप 1 को 2 को 3 को और 4 को कैंसिल कर सकते हो. मतलब आप बोलोगे क्योंकि इनका सम 10 होता है, 1 से 4 तक का सम 10 होता है, आप बोलोगे लास्ट के 4 डेज का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज जैसे ही हमने 28 वर्कर को फर्स्ट डे लिया, 27 वर्कर को सेकेंड डे लिया, 26 वर्कर को थर्ड डे लिया, इसी तरीके से करके फिफ्थ डे में कहां पे आएगा आपका, 24th डे पे आ जाएगा ना, ठीक है. तो फर्स्ट 28 से फिफ्थ 24th डे पे आ जाएगा. तो 24th डे में अगर आप 28 से 5 तक का सम करोगे ना, तो मैं वही बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं 28 से लेके, लेट मी रब दिस पार्ट हियर, ठीक है. तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आप 28 से लेके 5 तक का सम करोगे, 28 से लेके 5 तक का सम करोगे, तो ये सम कितना आएगा, 396 मैनडेज आ जाएगा ना. तो माई टोटल वर्क वॉज 396 मैनडेज ओनली, राइट. दैट मीन्स आई डोंट रिक्वायर दैट मेनी पीपल, आई डोंट रिक्वायर 28 डेज, मेरा काम 24 डेज में ही हो जाएगा. तो हमारा आंसर क्या होगा, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 24 डेज. दिस वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, काफी मिस्टेक प्रोन क्वेश्चन था इसमें, अच्छा सा क्वेश्चन था, ठीक है. सो आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. एक बार अगर आपको कोई डाउट आए तो वापस से वीडियो में मेरी पूरी बात सुनना, आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी पॉइंट जहां पे आप स्टक हो सकते हो, ठीक है. तो ये क्वेश्चन मैं करा रहा था परसों वाले क्लास में अपने क्वांट, अभी हमने क्वांट का बूस्टर लॉन्च किया है, ऑल ऑफ यू नो दिस, राइट. तो हम लोग उसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं क्वांट के बूस्टर में, ओके. एंड ये क्वेश्चन वही मैं करा रहा था, तो आई थॉट दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन, सो लेट्स पुट ऑन रोदा ऑल्सो, ठीक है. ऐसे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, सो इफ यू एनी ऑफ यू वॉन्ट टू इनरोल फॉर दैट, आप बिल्कुल वहां पे इनरोल भी कर सकते हो. एंड विल हमारा वेबसाइट है www.rodha.co.in, ठीक है. और मैं अभी डेली यहाँ पे लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, आई एम एटलीस्ट टेकिंग 4 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस डेली, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वांट की, LRDI की, क्वांट में अर्थमेटिक की अभी फिलहाल कर रहे हैं हम लोग, और अलजेब्रा की कर रहे हैं, ठीक है. इसके सब की, इसके सारे की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, तो इफ़ यू वांट यू कैन परचेज दैट, इट्स वेरी अफोर्डेबल प्राइस, लाइक 2800 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, ठीक है.
और ₹5600 में कंप्लीट बंडल है। सेम आप आयुष सर भी VARC के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। सो इज टेकिंग लॉट ऑफ क्लासेस फॉर VARC। ओके, तो ये कंप्लीट बंडल फॉर 1 month कैट के लिए अवेलेबल है। यू कैन हैव ऑल द रिकॉर्डिंग्स, सब सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वहाँ पे, बहुत सारे टेस्ट अपलोड किए हैं। आई हैव ऑल्सो अपलोडेड वहाँ पे 7 क्वांट सेक्शनल टेस्ट टिल नाउ, 7 फुल क्वांट सेक्शनल टेस्ट, ये टेस्ट मैंने बनाए हैं। ओके, और इसको हम लोग 10 to 12 ले जाएंगे भी, 10 तो मिनिमम ले जाएंगे, तो 3 अभी और अपलोड करूंगा। ओके, LRD के प्रैक्टिस सेट्स वहाँ पे हैं। एंड ये क्वांट सेक्शनल टेस्ट लाइक तुम्हारा क्या है, 22 क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स। सो ऑल दिस अवेलेबल एट दिस प्राइस ओनली गाइस, ठीक है। 5600 में कंप्लीट पैकेज, 2800 में सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है। तो यू इफ यू विश यू कैन अवेल दिस। ओके, सो जस्ट विजिट आवर वेबसाइट www.rodha.co.in, और हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जस्ट डाउनलोड आवर रोधा ऐप, ओके, फ्रॉम द प्ले स्टोर, ठीक है। चलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।